थे, मानगढ़ में गोविंद गुरु के जो स्थान है जहां पर एक बड़ा बलिदान हुआ था, लगभग एक साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने उस स्थान पर एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम करने का तय किया था और उसकी घोषणा की थी। कुछ महीने पहले वहां के जिला प्रशासन से श्रद्धांजलि सभा की अनुमति मांगी थी और हम चाहते थे कि राजस्थान के आदिवासी अंचल के आदिवासियों का एक बड़ा बलिदान जो देश में इतिहास के पन्नों पर उचित स्थान नहीं पा पाया, उसकी पूरी चर्चा हो और उन सब क्रांतिकारियों को, बलिदानियों को समाज, पूरा देश श्रद्धांजलि दे। पिछले दिनों राजस्थान में जो हमारी सरकार थी तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की उस सरकार के समय एक स्टैचू गोविंद गुरु की वहां बनाई गई, जो नियमित रूप से वहां पर लोग जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं और उनके साथ अपनी फोटो खिंचाते हैं। एक धुनी वहां पहले से बनी हुई थी, उसके ऊपर भवन बनाया गया, हॉल बनाया गया, एक म्यूजियम बनाया गया जहां चित्रपुरी जितने जो उपलब्ध थे चित्र उनकी व्यवस्था है। गुजरात की सरकार के द्वारा भी कुछ महीने पहले वहां पर इसी प्रकार के एक श्रद्धांजलि स्थल बनाने की शुरुआत की। नरेंद्र मोदी जी खुद आए थे उस कार्यक्रम में। हम इस विषय को संदेश यात्रा के नाते चाहते थे लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी ने